न्यू वीडियो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या है डुप्लेक्स हाउस बिल्डिंग प्लान। तो ये जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, यहीं पर ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें हमने क्या क्या रखा है। पहले जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें देखिए, ग्राउंड फ्लोर में देखिए क्या क्या है, और फर्स्ट फ्लोर में तो इसमें साउथ फेस है, देखिए साउथ यहाँ पर नॉर्थ है, तो साउथ नॉर्थ हमने क्या कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। पहले जो स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पर हमने रखा है गेट, मेन गेट, गेट हमने यहाँ पर रखा है। इधर से हम करेंगे आप घर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा तो हमने रखा है 4 फीट 7 इंच का एक मेज़रमेंट, ठीक है 4 फीट 7 इंच। तो उसके बाद हमने क्या किया है, तो उसके बाद हमने इसको कंप्लीट करेंगे आपके साथ टोटल। तो पहले यहाँ पर हमने क्या है, एक डोर, और यहाँ पर एक डोर, तो यहाँ पर एक बेडरूम हमने रखा है, बेडरूम, ओके यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर एक बेडरूम हमने रखा है, बेडरूम देखिए बेडरूम, और यहाँ पर हमने रखा है एक बाथ एंड लैट्रिन, ओके यहाँ पर हमने रखा है जो ड्राइंग एंड डाइनिंग, यहाँ पर हमने रखा है स्टडी रूम, यहाँ पर हमने रखा है किचन, ओके यहाँ पर हमने रखा है किचन। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो सब कुछ है, तो इसका यहाँ पर हमने रखा है इधर से आप का एक स्टेयर, ठीक है यहाँ पर जो है 3 फीट का यहाँ पर, और यहाँ पर हमने रखा है 6 फीट का, तो यहाँ पर स्टेयर पोजीशन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने किचन जो रखा है यहाँ पर 9 फीट, और यहाँ पर हमने रखा है 6 फीट, यहाँ पर हमने रखा है 13 फीट 5 इंच, यहाँ पर रखा है 11 फीट, ओके यहाँ पर भी हमने रखा है 11 फीट, यहाँ पर 12 फीट। तो देखिए यहाँ पर हमने रखा है 12 फीट, यहाँ पर हमने रखा है 11 फीट, ओके तो ऐसे है प्लान हमारा। तो यहाँ पर बाद में हमने रखा है 6 फीट, इधर इधर हमने रखा है 6 फीट 7 इंच, ओके यही है। तो इसमें हमारा जो 36 फीट 1 इंच इधर आएगा, और इधर आएगा 22 फीट 3 इंच, देखिए ऐसा आएगा इधर, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इधर, इधर का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखिए स्टडी रूम का डिस्टेंस आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस फ्लोर में आइए, जो फर्स्ट फ्लोर में ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पर हमने एक रखा है बारंदा, ठीक है बारंदा, इसका साइज़ हमने रखा है 6 फीट, और इधर का जो है 11 फीट, यही तो यहाँ पर है। तो यही है बारंदा, ऊपर हम इधर इधर से आने के बाद इधर जाएंगे, तो इधर से आप, इधर हम डाउन, इधर से नीचे आपको आना है यहाँ पर लैंडिंग, देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो सेम यहाँ पर जो है बेडरूम, एक बेडरूम यहाँ पर भी, एक बेडरूम यहाँ पर, बाथ एंड लैट्रिन यहाँ पर, वॉश, एक वॉशरूम या लैट्रिन जो भी बात आप यहाँ पर, जो भी टॉयलेट यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग रूम हमने रखा है 10 फीट बाई 11 फीट का, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए जो स्टडी रूम हमने रखा था, स्टडी आप इसको, स्टडी रूम को आप इसको बेडरूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एज पर वास्तु है ड्राइंग, और इसमें एक बात है जो है आप रेंट पर्पस इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रखा है बाहर में जो स्टेयर, तो इसका इसमें आप क्या होगा, इसको हमने क्या किया, इसको इसके इसके लिए क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर आप अगर गेट प्रोवाइड करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाने के बाद एक आपका रेंट पर्पस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद कॉलम आपके साथ शेयर करते हैं, कॉलम पोजिशन। देखिए दोस्तों यहाँ में हमने आपके, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो देखिए पोजिशन कॉलम का, इधर भी देखिए कॉलम का पोजिशन, इधर देखिए कॉलम का पोजिशन, तो मैंने कॉलम का पोजिशन यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बात है, आप कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं इस टाइप का, नीचे में ऊपर में जाने के बाद कॉलम चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हम सिस्टम सेम रखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए वीडियो दोस्तों यहाँ पर खत्म करते हैं। आपको अगर इस टाइप का वीडियो चाहिए, देखिए 22 तक कितना है हमारा जो मेजरमेंट है, 22 एक्चुअली रखा है हमने, 22 × 636 का डुप्लेक्स हाउस बिल्डिंग प्लान, ठीक है यही मैंने लिखा था। तो इसमें थोड़ा सा 3 इंच 1 इंच का डिफरेंस है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना दोस्तों। चलिए वीडियो एक बार खत्म करते हैं।